बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जब शीरिन जबरदस्त आपकी प्रेजेंटेशन थी, बाकी सब के भी, लेकिन जब डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में पता चला कि शीरिन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करने लगी है, तो वहां बहुत खौफ फैल गया था, लेकिन शीरिन ने जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी। मैं अरबाब शहजाद साहब आपको, तैमूर आपको, जो हमारे तहरीक इंसाफ का इलेक्शन सेल है, मैं आज आपको खास मुबारक देता हूं। आपने ये जो प्रेजेंटेशन तैयार की, पहली दफा, अब मैं 22 साल हो गए हैं पॉलिटिक्स में, ये पहली दफा मैं देख रहा हूं कि हम इलेक्शन में इतनी तैयारी से जा रहे हैं। पहले तो हमारी तैयारी किसी इलेक्शन में एक्चुअली थी ही नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं कि हमारी ऐसी तैयारी इसलिए नहीं थी कि हम पिछले इलेक्शन में अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मसरूफ थे, तो एकदम इलेक्शन आ गया और हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन ये जो अब तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में जा रही है, मुझे बड़ी खुशी है कि एक तो हम ये जो 100-day प्लान है ये, और इसके अलावा पूरा मंशूर, लेकिन उससे भी ज्यादा जो परवेज खटक ने बाप से बात की कि एक हमारे पास एक प्रोविंस को गवर्न करने का 5 साल का तजर्बा है, और ये बड़ा वैल्यूबल एक्सपीरियंस हुआ है। और ये अल्लाह का शुक्र है, कई दफा इंसान एक प्लान बनाता है, अल्लाह अपना प्लान बनाता है और कामयाब उसी का होता है। तो शायद हमें अगर ये हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट मिल जाती 2013 में, तो हमारी ऐसी प्रेपरेशन ना होती जो कि 5 साल में हमने सीखा है पख्तूनख्वा के अंदर। तो ये बड़ा, जो परवेज खटक ने बात की, बड़ा वैल्यूबल एक्सपीरियंस था। मैं अब आपको पहले ये बता दूं कि ये आपका सुनो, ये 100-day प्लान की क्यों जरूरत है, इसका मतलब क्या है कि 100-day प्लान क्यों आप देते हैं? मंशूर तो 100 days में नहीं हो सकता। 100-day प्लान का असल में मकसद ये होता है कि जब पार्टी अपनी सबसे ज्यादा पीक पे होती है, अपनी स्ट्रेंथ पे, क्योंकि जब आप पावर में आते हैं तो आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो उस टाइम पे आप सबसे मुश्किल फैसले करें जो रिफ्लेक्ट करें कि आपका किबला क्या है, आप किस तरफ जा रहे हैं। ये बेसिकली डायरेक्शन बता रही है कि पार्टी किस तरफ जा रही है। इसका ये जो 100 days है, ये रिफ्लेक्ट करेगा पार्टी की आइडियोलॉजी, कि पार्टी स्टैंड किस चीज पे करती है। तो पहले मैं फिर ये 100 days प्लान से पहले जो पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी वही है जो पाकिस्तान बनाने वालों की आइडियोलॉजी थी। आइडियोलॉजी ये थी कि पाकिस्तान ने एक दुनिया में मिसाल बनना था कि इस्लाम के प्रिंसिपल पे रियासत बनती कैसे है, और वो सारी मुसलमान दुनिया के लिए वही मदीना की रियासत हम सब के लिए हमारा किबला है कि अगर आपने एक ह्यूमेन सोसाइटी, एक इंसानियत का निजाम बनाना है, तो उसके क्या प्रिंसिपल्स थे, वो मदीना की रियासत में रखे गए थे। और वो जो आप अपने फाउंडिंग फादर्स जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनी, वो सारी रिफ्लेक्ट करती है मदीना की रियासत के प्रिंसिपल्स। और वो प्रिंसिपल्स ये थे कि एक इंसानी माशरा बनना था। देखिए, इंसानी माशरे और जानवरों के माशरे में फर्क क्या है? जानवरों के माशरे का जो प्रिंसिपल्स गाइडिंग लाइट है वो है माइट इज राइट एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, और वहां रहम नहीं होता। जानवरों के माशरे में रहम नहीं होता। इंसानी माशरा वो होता है जिसमें दो चीजें होती हैं जो उसको डिफ्रेंशिएट करती है जानवरों के माशरे से। इंसानी माशरे में इंसाफ होता है, कानून के सामने कमजोर और ताकतवर एक बराबर होता है, और इंसान के माशरे में रहम होता है, कंपैशन होती है, जिसकी वजह जो सामने रख के दुनिया की पहली वेलफेयर स्टेट बनाई गई मदीना में। वेलफेयर स्टेट का मतलब यह कि जो ये नहीं देखती कि ताकतवर के लिए क्या करना चाहिए, उसको और ताकतवर बनाने के लिए या और उसको
अमीर को अमीर करने के लिए, वो निचले तबके को देखती है कि निचले तबके को, जो कमजोर तबका है, उसको आपने कैसे ऊपर उठाना है। और एक सिविलाइज सोसाइटी को पहचाना कैसे जाता है, वो ये नहीं कि डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में कितने बड़े बड़े घरों में आप रहते हैं या बैरिया में आप जबरदस्त किस्म के घर बन रहे हैं, वो ये देखती है कि कच्ची बस्तियों में गरीब कैसे रहते हैं आपके, कराची की मच्छर कॉलोनी में आप लोग कैसे बस रहे हैं, वो जो ये गंदे नाले के ऊपर बच्चे ये झुग्गियां लोगों की है, उधर कैसे बच्चे रह रहे हैं। हजरत उमर, उनका कॉल था कि अगर कुत्ता भी मेरी रियासत में भूखा मरा तो मैं जिम्मेदार हूं। ये बड़े हाई प्रिंसिपल्स थे जिसके ऊपर वो रियासत बनी। हम उसको दीनी तरह देखते हैं, हम ये एनालाइज ही नहीं करते कि हिस्टोरिकल फैक्ट था मदीना की रियासत, हिस्टोरिकल फैक्ट था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के बाद चंद सालों के अंदर दो सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई। और ये फैक्ट है कि 700 साल तक सारे अजीम स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, कल्चर लीडर्स थे वो, दुनिया को उन्होंने इमामत की। तो वो क्या बेसिस थे जो उस रियासत के जो 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 प्रिंसिपल्स थे जिसके ऊपर वो उठे। तो ये वो ख्वाब था पाकिस्तान का। मैं ये बार बार लोगों को इसलिए कहता हूं कि हम भूल जाते हैं कि बना क्यों था। अगर ये मुल्क बनना था जो आज है, जो मैं ये कहता हूं कि यहां अक्लमंद जानवरों का ये निजाम बन गया है, छोटे से तबके के लिए सारा पाकिस्तान, तालीम भी उनके लिए, अच्छी अच्छी नौकरियां भी उनके बच्चों के लिए, अस्पताल भी प्राइवेट, नहीं तो वो बाहर जा सकते हैं इलाज करवाने के लिए, और कानून से भी वो ऊपर हैं, कत्ल करके भी आप बच जाते हैं। आप अरबों रुपया चोरी करें और आप सड़कों पे फिरे, मुझे क्यों निकाला, कोई पूछने वाला नहीं आपको। एक छोटे से तबके के लिए जो मुझे क्यों निकाला है, ये एक्चुअली आपको हमारा माशरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम कितने नीचे गिर चुके हैं। ये मुझे क्यों निकाला का मतलब ये कि मैं इतना ताकतवर हूं, तुम्हारी कैसे जरूरत पड़ गई मुझे निकालने की। ये तो सिर्फ कमजोरों को आप निकालते हैं, ताकतवर के लिए तो ये कानून ही नहीं। तो ये सारा रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा माशरा कितना नीचे उस आइडियल से चला गया। और जब भी इस पाकिस्तान ने रिवाइव करना है, इसने वापस उसी आइडियल की तरफ जाना है। तो ये जो 100 डेज है, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस रास्ते के ऊपर जिसके लिए ये मुल्क बना था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि वो जो ड्रीम थी पाकिस्तान की, वो रिवाइव करनी पड़ेगी अगर हमने इस मुल्क को बचाना है। असद उमर ने आपको पूरी तरह, मेरे ख्याल में उनको तरस आ गया कि लोग हर रोज इतनी बुरी बुरी खबरें पढ़ते हैं पाकिस्तान की। उन्होंने पूरी इकोनॉमिक पोजिशन आपको नहीं बताई कि जितने कर्जे चढ़ रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अभी बताया ना कि जो एक साल में $2 अरब कर्जा लिया जाता था, एक महीने में ले लिया है। 10 सालों में 6,000 अरब, 6 ट्रिलियन रुपए से 27,000 अरब रुपया, 27 ट्रिलियन पे पाकिस्तान का कर्जा पहुंचा है। 60 साल की तारीख में 6,000 और पिछले 10 सालों में 21,000 मजीद और कर्जा लिया। तो ये जो पैसा लिया है, कौन मुझे आज लॉजिकली बता सकता है, कौन सी हुकूमत बता सकती है कि ये कर्जे कैसे वापस करेंगे? वो ये दो हुकूमतें हैं जिन्होंने ना ये कर्जे चढ़ाए, जिन्होंने मुल्क में कैपेबिलिटी खत्म कर दी है कि हम ये कर्जे वापस करें, जो जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। हमारी इंडस्ट्री में कैपेबिलिटी नहीं इन्होंने छोड़ी कि हम इतनी वेल्थ क्रिएट करें कि हम कर्जे वापस कर लें। हमारे एक्सपोर्टर्स का क्या हाल किया है? ये जो अभी रिबेट्स की बात कर रहे हैं, मैं अभी कल सियालकोट था तो वहां मुझे बिजनेसमैन ने कहा कि जनाब हम अपनी री इन्वेस्ट कैसे करें पैसा, ये इन्होंने रिबेट्स में पैसा हमारा रखा हुआ है, वो कैसे इन्वेस्ट करें वापस? यानी वेल्थ क्रिएशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो कर्जे चढ़ा दिए, एक कैपेबिलिटी खत्म कर दिए हम कर्जे वापस करने के लिए। हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है और ना हम पैसा कटा। और 8 लाख लोग हैं जो इस मुल्क में टैक्स देते हैं, जो कि 20 करोड़ लोगों का बोझ उठा रहे हैं। कौन सा माशरा चल सकता है ऐसे? और सिर्फ सारी पॉलिसीज एक छोटे से तबके के लिए, वो अमीर अमीर होता जा रहा है और नीचे गरीबों का समुद्र बनना जा रहा है। तो मैं जो आज आपसे
100 डेज का ये जो इसके प्रिंसिपल्स आपको बयान करूं कि इसका सारा मकसद ये है कि हम रिवर्स करें इस चीज को, हम रिवर्ट करें इसको वो माशरा जिसका प्रिंसिपल ये सामने रखें जो हजरत उमर का बयान था कि कुत्ता भी यहां भूखा मरेगा तो हुक्मरान जिम्मेदार है। ये आज ये जो हम कहते हैं ना कुत्ता भी अगर भूखा मरेगा, आज आप चले जाए इंग्लैंड में आपको कुत्ता भूखा नहीं मिलेगा, वहां आप स्कैंडिनेविया में चले जाए आपको भूखा कुत्ता सड़कों पे नहीं मिलेगा। उन्होंने उनके लिए स्पेशल होम्स बनाए हुए हैं, RSPCA वो पकड़ के कुत्तों को लेके जाती है, उनको पालती है वहां। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, मैं ये हमें शर्म से कहते हैं कि वहां उनके जानवरों को बेहतर रखा जाता है हमारे इंसानों से, इसलिए अल्लाह की बरकत है वहां। हम कहे जी मैं मुसलमान हूं और हम काम करें वो जो कि सारे इस्लाम के खिलाफ है, तो अल्लाह तो उस माशरे पे बरकत डालता है जो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। जो मोहम्मद अब्दू का फेमस बड़ा बहुत बड़ा मुसलमान स्कॉलर था, 100 साल पहले जब वो यूरोप गया तो उसने कहा कि यहां तो मुसलमान तो नहीं नजर आए, बड़ा इस्लाम नजर आया। और वापस मिस्र आया तो कहता है यहां मुसलमान तो बहुत है, इस्लाम नहीं है। तो हमें वो प्रिंसिपल्स पे वापस जाना है। तो ये जो 100 डेज है, इस सारे का मकसद ये है कि हम रिवर्स करें ये पॉलिसी। सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बने कि हमने अपने निचले तबके को ऊपर कैसे उठाना है। तो उधर से अगर आपका ये आपका किबला इस तरफ है, डायरेक्शन ये आ जाता है, उससे जब आप वापस आते तो सारी आप वो चीजें करेंगे। तालीम कैसे ठीक करनी है, तालीम के अंदर आपने सोचना है कि ये जो 3.25 करोड़ जो हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमने उनको कैसे, जो परवेश खटक ने बात की, उनको हमने कैसे ऊपर लेके आना है, कैसे वो हायर एजुकेशन में आ सकते हैं उनको जो तालीम मिल रही है। और जो भी बात की श्री ने, 25 लाख बच्चे दीनी मदरसों में हैं, किसी ने सोचा ही नहीं कि उनके लिए कौन सी तालीम देनी है ताकि वो भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जजेस बन सकें। वो क्यों नहीं ऊपर आ सकते, वो हमारे बच्चे हैं, किसी ने नहीं उनका सोचा। और सिर्फ 8 लाख है इंग्लिश मीडियम बच्चे, और उनमें से भी जो टॉप ऑफ द लाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो उससे बहुत कम है, जो असल क्रीम बन गई है पाकिस्तानी सोसाइटी की। तो अब से सारी पॉलिसीज जो हमारी बनेंगी, ये जो 100 डेज की पॉलिसीज है, इस सब का मकसद ये है कि तालीम भी हो तो निचले तबके को हमने कैसे उठाना है, अस्पताल हो तो हमने कैसे आम आदमी का इलाज करना है, अगर वो पैसे नहीं दे सकता उसका मुफ्त करना है, रोजगार हमने कैसे प्रोवाइड करना है, हमने कैसे अपने जो इस वक्त 20 लाख बच्चे जॉब मार्केट में आते हैं, नौजवान जॉब मार्केट में आते हैं, आगे सेकेंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है, इसको हमने कैसे एक लाइबिलिटी को एसेट कैसे बना देना है। यही यूथ का जो यंग पॉपुलेशन है, अगर इसको इसके ऊपर हम इन्वेस्ट कर दें, ये एक बहुत बड़ा एसेट बन जाएगा पाकिस्तान का, ये हमारा एक इंजन ऑफ ग्रोथ बन जाएगा। तो जो मेन चीजें हमने इस 100 डेज में कोशिश किया करने की, हमने सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्टिव रख लिया ना कि हमने निचले तबके को ऊपर उठाना है, हमने इसको एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। उसके बाद वो सिस्टम डिलीवरी का क्या होगा, जो सबसे पहले अरबाब शहजाद ने बात की कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, जो डिलीवरी है, जो सिविल सर्विसेज हैं, उनको कैसे हमने रिफॉर्म करना है कि वो हमारा ये जो हमारी जो पॉलिसीज हैं ये ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करें। मेरा जो तजर्बा हुआ है पख्तूनख्वा में, जो परवेज खटक ने भी बात की, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्यूरोक्रेसी को डीपोलिटिसाइज किया जाए, मेरिट लेके आए। ये जो पुराना सिस्टम है कि जी जो सीनियर हो वो ऊपर आ जाता है, कोई मेरिट को कोई, जब आप सजा और जजा किसी भी इदारे में खत्म कर देते हैं वो इदारा खत्म हो जाता है। मैं आपको सर आप छोटा सा तजर्बा देता हूं कि जो हमें मुश्किलात आई पख्तूनख्वा की हॉस्पिटल्स को ठीक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक करने के लिए, मुझे ये पता चला कि आज तक क्यों नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ठीक किए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है। जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को आप ठीक करने जाते हैं तो वहां एक बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट बैठा हुआ है, हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं। माफिया मतलब कि जो एक करप्ट निजाम से फायदा उठा रहे हैं, ये आपके सामने रुकावट डालते हैं। हमने जब शुरू की अपनी हेल्थ रिफॉर्म्स, और
हमें एडवांटेज क्या थी, हमें एडवांटेज ये थी कि हमारे पास जो शौकत खानम ने, जिन डॉक्टर्स ने बनाया था, जो डॉक्टर बरकी और जो उनके साथ टीम थी, उन्होंने स्क्रैच से एक हॉस्पिटल बनाया पाकिस्तान के सिस्टम में। और ये सोचें कि शौकत खानम, मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि शौकत खानम को अभी अवार्ड मिला जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि सर्टिफाई करता है हॉस्पिटल्स को कि क्या वो एक लेवल के हॉस्पिटल दुनिया में करता है, ये अमेरिका का एक ऑडिट फर्म है। तो ये जो सबसे प्रेस्टिजियस चीज होती है कि आपको अगर जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल का अवार्ड मिल जाए, सर्टिफिकेशन मिल जाए, तो शौकत खानम की मैं आपको बताऊं कि क्या मुश्किल था। पहले तो कैंसर हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल बनाना ही बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए बड़ी महंगी इक्विपमेंट है, ड्रग्स बहुत महंगी है, उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। ऑनकोलॉजिस्ट जो है वो शॉर्ट डिमांड में है, वो इक्विपमेंट को अब ठीक रखने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, तो वो बड़ा, इसलिए बड़े कम गरीब मुल्कों के अंदर स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल्स हैं। तो पहले तो वो मुश्किल था बनाना। फिर दूसरा, 75% फ्री ट्रीटमेंट है। आप अगर आज, मैं पैसे वाले लोगों के लिए आपको, मैं आज आपको जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है, जबरदस्त एक हॉस्पिटल बना सकता हूं, क्वालिटी का बना सकता हूं, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग हॉस्पिटल होगा, उसमें सिर्फ पैसे वाले लोग आ सकेंगे, वो भी पॉसिबल है। लेकिन वो हॉस्पिटल जिसमें 75% गरीब लोग आते हैं, उसको वो सर्टिफिकेशन मिलनी जो कि एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल करार दिया गया, और इसका मतलब कि जो गरीब आदमी आ रहे हैं उनको वर्ल्ड क्लास इलाज मिल रहा है, और वो भी कैंसर का इलाज मिल रहा है। तो ये जो हम एक्सपीरियंस से गुजरे, वही डॉक्टर्स को मैं ले आया, मैंने कहा हमारी मदद करें पख्तूनख्वा के हॉस्पिटल्स ठीक करने के लिए, इनको जो बड़े टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं उनको ठीक करने के लिए। अब ये मैं आपको जो पॉजिटिव अब चीज बता रहा हूं कि याद रखें कि हम पाकिस्तान में कोई चीज भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पूल है ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो हर फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं। जब आप चाहेंगे, जब हम इस मुल्क के अंदर इदारों को ठीक करेंगे और हम इनवाइट करेंगे एक्सपर्टीज, हर फील्ड में आपके पास एक्सपर्टीज अवेलेबल है। ये PIA ठीक करने के लिए, ये स्टील मिल ठीक करने के लिए, ये बिजली के जो हमारे ये जो पावर स्टेशन है, ये सारों के लिए आपको एक्सपर्टीज मिल सकती है। वो सिर्फ तब आएंगे जब वो ये समझेंगे कि वहां निजाम अलाउ करता है उनको काम करने के लिए। मैं आज आपको कह रहा हूं कि अगर हमने यहां की गवर्नेंस सिस्टम ठीक कर ली, जो ओवरसीज ह्यूमन कैपिटल बैठा हुआ है वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो आपका कितना बड़ा एसेट है। वो अनफॉर्चुनेटली इस करप्ट सिस्टम के अंदर वो हम उनको बाहर निकाल देते हैं, वो काम नहीं कर सकते इसमें। अब शौकत खानम की कामयाबी क्या थी, बाहर से पाकिस्तानी डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज आई और उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिया। तो वही मैंने कोशिश की पख्तूनख्वा में। अब मैं ये आपको मिसाल दे रहा हूं इसलिए कि हमने कैसे अपने इदारे ठीक करने हैं। तो हम लेके आए वहां, तो डॉक्टर बरकी जो आर्किटेक्ट थे बनाने के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल, उन्होंने वहां जाके लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में काम शुरू किया, उसके सिस्टम ठीक करने, उसको ऑटोनोमाइज हमने एक्ट पास किया। सबसे पहले तो एक साल लग गया, वो जो कोई पुराने डॉक्टर्स थे वो हर जगह टांग उड़ा दें, उनको कन्विंस किया कि अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लेवल पे लेके आना है तो आपको मैनेजमेंट ठीक करनी पड़ेगी, सजा और जजा देनी पड़ेगी। आपको जो प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो 1 बजे के बाद तो हॉस्पिटल खाली हो जाते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सारे प्राइवेट प्रैक्टिसेस चले जाते थे। तो शौकत खानम में प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर्स हॉस्पिटल में करते हैं, इसका मतलब सारा वक्त डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं हॉस्पिटल में। वही कानून लेके आए वहां, पहले तो एक साल लगा डॉक्टर कम्युनिटी को कन्विंस करने के लिए। उसके बाद जब हमने एक्ट पास किया पार्लियामेंट से, फिर एक साल लगा वो हर चीज के ऊपर वो स्टे ऑर्डर ले लें, हम आगे ना चल सके वो जाके। और एक स्टे ऑर्डर मैं आपको बताऊं कैसा, जरा आप इमेजिन करें कि कितना ये हमारा सिस्टम कितना गल सड़ गया। कैसे आप गरीबों को जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं कैसे आप उनको अच्छा इलाज दे सकते हैं अगर ये सिस्टम हो। एक डॉक्टर अभी लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में हुआ, पिछले साल की बात, पता चला कि उसकी जो कार्डियक सर्जरी के जो डिपार्टमेंट का वो हेड था उसमें 23% मोर्टेलिटी रेट थी, यानी 100 मरीजों में से 23 मरीज मर जाते थे।
उसको रिमूव किया, वो जाके हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया, 6 महीने तक काम कर रहा है वहां, अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि वो उसने जाके स्टे ऑर्डर ले लिया। अब प्राइवेट, अब ये शौकत थाना में होता तो उसको एकदम चार्जशीट होती, उसको निकाल देना था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो स्टे ऑर्डर लेके वहीं काम कर रहा है, कैसे कोई इदारा काम कर सकता है? तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये जो रुकावटें आई, हमने जो एक्सपीरियंस किया, तो गवर्नमेंट कोई भी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा इलाज देना है वो दे ही नहीं सकता जब तक आप वह सजा और जजा ना लेके आए, वह मेरिट ना लेके आए। अच्छा, सीनियर मोस्ट है वो, उसको अगर आप रिमूव करते हैं वो नहीं काम कर सकता। मसलन आपको अगर हॉस्पिटल चलाने के लिए क्या सबसे बेहतरीन सीईओ चाहिए या सबसे सीनियर चाहिए? कौन सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे सीनियर ऊपर आता है? वो सबसे बेहतरीन लोग ऊपर लेके आते हैं तो इदारा काम करता है, मेरिट तो ये है। तो वहां अगर आप करते थे वो जाके स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम्स आए हैं। ये पहली दफा किसी ने रिफॉर्म करने की कोशिश की है हॉस्पिटल्स को। पहले क्यों नहीं करते थे? वो जब करते थे थोड़ी स्ट्राइक होती थी, वो सारे फिर वापस आ जाते थे। वो इसलिए किया कि हमने ये फैसला किया था कि हम जो आम लोग बेचारे हॉस्पिटलों में आते हैं उनको इलाज देना चाहते हैं, सही क्वालिटी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। ये ही कोई आप गवर्नमेंट का इदारा उठा ले, ये आपको हर जगह ये प्रॉब्लम आएगा। और ये हमने रिफॉर्म्स करनी है, हमने मेरिट गवर्नमेंट के अंदर मेरिट लेके आनी है, सजा और जजा लेके आनी है। जब तक आपकी डिलीवरी सिस्टम ठीक नहीं है, आप कोई भी अपना मैनिफेस्टो ले वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। 60s के अंदर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई, 1960s के अंदर पाकिस्तान सारे एशिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था। उसकी बेसिस क्या थी? उसकी बेसिस थी हमारी सिविल सर्विस। हमारी सिविल सर्विस सारे एशिया में सबसे मानी हुई क्वालिटी की सिविल सर्विस थी, मेरिट बेस्ड थी, सारा बेहतरीन टैलेंट सिविल सर्विस में आता था, मेरिट था, क्वालिटी के लोग ऊपर आते थे। हमारे जो फॉरेन ऑफिस की शीरिन बात कर रही है, 60s के जो निकले हुए हमारे फॉरेन ऑफिस के जो लोग थे वो क्वालिटी के लोग थे, क्योंकि हम बेस्ट सबसे हमारे अभी एजुकेशन भी इंटैक्ट था, हमारा बेहतरीन टैलेंट सिविल सर्विस में आता था। सिविल सर्विस उस वक्त डीपोलिटिसाइज थी, पोलिटिसाइज नहीं थी, और वो उसने डिलीवर किया। मेजर प्रोजेक्ट थे मंगला तरबेला डैम वगैरह वगैरह, ये सारे प्रोजेक्ट 60s में थे, और 60s में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो डिलीवरी सिस्टम हमने तबाह किया उसको पोलिटिसाइज कर करके, और आप ये जो दौर शुरू हुआ 1985 के बाद, उसमें तो टोटली पोलिटिसाइज हो गई हमारी सिविल सर्विसेज। सो ये नंबर वन चीज ये है कि हम जब तक ये सिविल सर्विस रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, इसमें एक डॉक्टर इशरत हुसैन का भी बड़ा अच्छा, उन्होंने इसके ऊपर तफसील लिखी हुई है, और इंशाल्लाह वो हम आपके सामने रखेंगे। जो नंबर टू है इकॉनमी, वो असद ने आपसे पूरी बात कर ली। मेरा सिर्फ ये है कि इकॉनमी में जिस तरह उन्होंने कहा सीपैक एक अपॉर्चुनिटी है, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इससे जरूरी नहीं कि हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। फायदा तभी उठाएंगे जब हम, वो कहते हैं, पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। और मैं अब सीपैक से भी ज्यादा मेरे ख्याल में जो हमें हमें मदद करेगा वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क की, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे बड़ा एसेट है। वो सबसे ज्यादा चाहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना, वो अनफॉर्चुनेटली हमारा गवर्नेंस सिस्टम उनको अलाउ नहीं करता यहां आके इन्वेस्ट करने के लिए। ये गवर्नेंस सिस्टम जितना बेहतर होगा, और इसमें हमने बड़ी इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर हाउस डायरेक्ट डील करे, जिस तरह अर्दोगान ने मुझे बताया था, हम जब उनसे मिलने गए उसने कहा मैं खुद तुर्की के अंदर जो उन्होंने तुर्की की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई उसमें बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर का अपना हाथ था और इंटरेस्ट था। अपने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर सारे इन्वेस्टर्स को डील करते थे, कम से कम रुकावटें उनके सामने थी, मुश्किलें उनकी दूर करते थे। अब जिस तरह ये जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जब इनको मिलो वो बेचारे, उनकी आप कहानी तो सुने, वो कैसे कम्पीट कर सकते हैं? पहले तो ये जो उनके पैसे रख लेते हैं, ये रिबेट्स उनको, अब वो पैसे ही नहीं मिलते, वो इन्वेस्ट कैसे करें? दूसरा, पाकिस्तान की बिजली और गैस, ये उनके कंपेटिटर्स हिंदुस्तान और बांग्लादेश, उससे ज्यादा महंगी है, वो कैसे कम्पीट कर सकते हैं? तो जब तक के गवर्नमेंट खुद
वेल्थ क्रिएशन में ना हिस्सा ले, अपने इन्वेस्टर्स की ना मदद करें। वो जब इन्वेस्टमेंट होगी, पहले तो पैसा आएगा ये कर्जे वापस करने के लिए, दूसरा रोजगार देने के लिए, गुर्बत कम करने के लिए। तो इसके लिए इंशाल्लाह जो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट बनेंगे। और जहांगीर तरीन ने जबरदस्त बातें की आपकी एग्रीकल्चर और पानी का, ये दोनों चीजें पाकिस्तान के लिए हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं सिर्फ जरूरी, इसका सबसे बड़ा फायदा यह कि बड़ी जल्दी टर्न अराउंड हो सकता है। एग्रीकल्चर में जो आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको 8-9 महीने के बाद उसके इफेक्ट्स नजर आ जाएंगे, इंडस्ट्री को थोड़ा और देर लगती है। तो ये जो उन्होंने मेजर्स बताए हैं रिसर्च करना, ये हम सारे हमने निग्लेक्ट किया है। किसी को इंटरेस्ट नहीं रह गया इस चीज के अंदर कि क्या इस मुल्क के अंदर अगर आपने गुर्बत कम करनी है तो सबसे ज्यादा तो गुर्बत इस वक्त देहाती इलाकों में है। जो हमारे बुरान आया, जो क्राइसिस आया फार्मर्स का, किसानों का, वो रिफ्लेक्ट करता है जो गुर्बत बढ़ रही है देहाती इलाकों में, और वहां फिर लोग शिफ्ट करते हैं शहरों में, शहर बड़े होते जा रहे हैं और उनकी वो अलहदा इशू है उनकी प्लानिंग। जो इन्वायरमेंट है, देखिए माहौलियात है, ये भी 100 डेज का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब कराची है, कराची के अंदर आप टेम्परेचर देखें, इतने हाई टेम्परेचर कभी नहीं थे। उससे पहले 30 अप्रैल नवाबशाह दुनिया का सबसे गर्म जगह थी। तो ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है, पाकिस्तान इससे बहुत बुरी तरह इफेक्ट होने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्ट इंपैक्ट जाना है, यहां बारिशें कम हो जानी है। आप ये जरा कभी जहाज में कराची जाएं या लाहौर लैंड करें तो आपको सारा नीचे कॉन्क्रीट नजर आ रही होती है, कोई दरख्त ही नहीं नजर आ रहा होता, सिर्फ सीमेंट नजर आ रहा होता है। तो कॉमन सेंस है कि सीमेंट के ऊपर जब धूप पड़ेगी तो वो हीट रिटेन करेगा, हीट रिटेन करेगा, जब ऊपर गर्मी बढ़ती जाएगी तो मॉइस्चर कम होती जाएगी और उससे बारिशें कम होगी। तो हम एक कैटास्ट्रोफी की तरफ देख रहे हैं। ये जो एक तो इसका सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग सिंड्रोम है जिसके अपने इंपैक्ट है, ये दरियाओं में पानी कम हो जाएगा, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, और जिसका सिर्फ एक ही तोड़ है, दरख्त उगाना। और ये एक पाकिस्तान की लग्जरी नहीं रह गई, ये एक इमरजेंसी है, ये पाकिस्तान के लिए अब हमारी जनरेशन की सर्वाइवल की जंग है। अब कि ये जिस रेट पे हमने तबाही की है, मुझे इतना अफसोस होता है, मैं कई दफा टीवी पर सुन रहा होता हूं, ये इनके नून लीग के लोग बोल रहे होते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि कहते हैं कि जी केपी में दरख्त नहीं हो गए। ये कोई इश्तिहारों में तो नहीं दरख्त हो गए, ये आप कोई हमने आपको एग्जैक्ट लोकेशंस दिए हुए हैं, हमने आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं गूगल मैप के ऊपर, आप कहीं ये जंगल के जंगल हो गए हुए, आप जाके चेक कर ले। टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे जी दरख्त नहीं हो गए, और शर्म ये इनको आनी चाहिए कि यहां सारे पंजाब में बड़े बड़े जंगल खत्म कर दिए इन्होंने। राजनपुर का इतना बड़ा जंगल था, उसके ऊपर कब्जा कर करके वो छोटा सा, वहां भी बड़े बड़े दरख्त खत्म हो गए। छांगा मांगा हम छोटी उम्र में जाया करते थे, वहां बड़े बड़े दरख्त थे, अब सारे 80% बड़े दरख्त गायब हो गए वहां से। जो ये कुंदिया में मियांवाली में बड़ा जंगल होता था, वहां कोई दरख्त ही नहीं नजर आता, कब्जे हुए हुए उनके ऊपर। तो बजाय ये कि तनकीद करें पख्तूनख्वा के, जो WWF ने आके 2 दफा ऑडिट करके सर्टिफाई किया है कि 1 अरब से ज्यादा दरख्त है, IUCN ने किया हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये सारी उनको करके इसको अप्रिशिएट किया है, बॉन चैलेंज ने किया है, ये बड़ी एंडोर्समेंट्स है इंटरनेशनल एक इतने बड़े इनिशिएटिव की, और यहां टीवी पर बैठ के कह रहे जी दरख्त ही हो गए। ये सारे मैं ये जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है पख्तूनख्वा का, ये सारे पाकिस्तान के लिए इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो हमने ये अचीव किया है, अच्छा कोई यहां से आके टर्किश या चाइनीज फर्म ने नहीं उगाए ये दरख्त, ये अपना हमारी ब्यूरोक्रेसी है। तो कहने का मतलब ये कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग हैं, आप अगर मेरिट के ऊपर ले आए और नजर शाह जैसा सेक्रेटरी आ जाए, और ये अमीन असलम को क्रेडिट जाता है कि ये हमारे इंशाल्लाह एनवायरमेंट मिनिस्टर बनेंगे, कि एक आदमी जिसने इनिशिएटिव लिया और लोगों कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया, वह रोजगार मिला लोगों को देहातों के अंदर बैठ के, औरतों ने नर्सरीज उगाई। तो जब आप इरादा करें, ये बाय द वे बिलियन ट्रीज सुनामी आपको एक चीज बताती है, जब आप इरादा कर लेना फिर अल्लाह रास्ते निकालता है उसमें से।
असल चीज होती है पॉलिटिकल विल। मंशूर कुछ नहीं होता, मंशूर के पीछे एक विल होती है जो कि इंप्लीमेंट करता है। महातिर मोहम्मद ने मलेशिया बदला था, पॉलिटिकल विल थी। सारे जो आता है, कौन सा कोई आज तक लीडर आया कि मैं गरीबों का कत्ल करूंगा, वो सारे अवाम के दोस्त होते हैं। लेकिन कोई कर जाता है, महातिर कर जाता है। ली क्वान यू ने सिंगापुर बदला, ये अर्दोगान ने तुर्की को कहां से कहां ले गया। तो जब आपके पास पॉलिटिकल विल होती है, जब आप फैसला कर लेते हैं ये जो मेरा 100 डे प्रोग्राम है ये मैं इंप्लीमेंट करूंगा, गवर्नमेंट मेरी चली जाए लेकिन मैं कर दूंगा, तो हो जाएगा। ये हमारी ये जो हमारा जो आज सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस क्या है, लोग आए यहां, हुक्मरान आए, अच्छा जी जल्दी से जल्दी पार किस तरह का हम एक बिजली बनाने के लिए पावर स्टेशन बना सकते हैं, उसमें कमीशन भी लंबी हो, उस थर्मल पावर स्टेशन बना दिए उन्होंने। अब वो पाकिस्तान के पास इतना जबरदस्त पोटेंशियल है, सारी हमारी इंडस्ट्री चली थी सस्ती बिजली पे, पानी पे, साफ बिजली थी, पोल्यूशन नहीं थी, हमारे पास इतना पोटेंशियल पड़ा हुआ है, इतने ज्यादा हमारे, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे दुनिया में स्टीप ग्रेडियंट है फ्रॉम द हाइस्ट टू द सी लेवल। हमारा K2 से लेकर समुन्द्र तक बड़ा स्टीप ग्रेडियंट है। इसका मतलब हर जगह पे हम बिजली के ऊपर पानी के ऊपर बिजली बना सकते थे, लेकिन क्योंकि टाइम लगता था, क्योंकि उसका जेस्टेशन पीरियड लंबा था, ये ताकि फीता नहीं कटना था, इसलिए उन्होंने ये इस मुल्क को इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर ये पावर स्टेशन बना दिए, कोयले के ऊपर बना दिए। आप सोचे कोयला साहिवाल में पावर स्टेशन बनाया है, कोयले पे वो समुंदर से साहिवाल तक कोयला आएगा और उसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट, और जो कि अब सारी दुनिया में कोयले के पावर प्लांट्स बंद हो रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि सबसे आसान तरीका बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर हम बिजली बनाएं। इसलिए कि ये जो सोचते थे अपने 5 साल की टर्म, अब जल्दी जल्दी वो ऑरेंज ट्रेन का वो फीता काटा है, जल्दी जल्दी ये इस्लामाबाद का एयरपोर्ट खुलवा लिया, वो वहां जो हाल हो रहा है इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे, वो जरा लोगों से जाके पूछे क्या हो रहा है, लेकिन फीता काट जाए किसी तरह। मैंने कभी नहीं किसी को, कभी आपने सुना होगा कि महातिर मोहम्मद कोई सड़कों के फीते काट रहा है, कभी सुना होगा कि वो नेल्सन मंडेला कोई सड़कों के फीते काट रहा है, वहां जिधर जाते हैं तकरीर करते हैं नवाज, मैं इधर भी मोटरवे बना दूंगा, मैं इधर भी मोटरवे बना, मोटरवे बनाना क्या मुश्किल है, आप किसी को पैसे दे वो मोटरवे बना देगा, मोटरवे बनाना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जा रही है, आप एक कॉम बनाए वो खुद ही मोटरवे और बिल्डिंग सारी बना देती है। (Clears throat)